आप सभी को स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है और आवाज ठीक से आ रही है? जी मैम। एक मिनट। हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के रूप में भी हम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? किसने एंट्री करी है भैया? लेट एंट्री वालों, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, खाना हमें एनर्जी दे रहा है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हमें एक सिंपल फॉर्म में करना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है उसको इजिली एब्जॉर्ब कर रहे, और ताकि वो फिर एनर्जी हमें देने के लिए लायक बन जाए। तो ये एब्जॉर्प्शन जब होता है हमारे जो खाने के उसमें, तो उससे हमारे जो बॉडी से एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस या फॉर्म। ठीक है, दिस इज अ डाइजेशन। इसके अंदर हमारे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स कह सकते हैं। तो इसमें हमारे जो होता है इंजेशन होता है, जो कि हम इसमें खाने को अपने शरीर के भीतर लेते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल या ट्रैक्ट के अंदर जो हम खाने को डालते हैं, भीतर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो इंजेशन होता है। फिर उसके बाद जो डाइजेशन की क्रिया होती है, ये बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में उस चीज को हम कन्वर्ट करते हैं। तो दो तरह की होती है, एक हमारी मैकेनिकल होती है और एक केमिकल होती है। मैकेनिकल में जो है कि जैसे हम दांतों से किसी चीज को काटते हैं, है ना, और केमिकल में हमारे शरीर के ही कुछ जो होते हैं जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उस खाने को सिंपल फॉर्म में जो है चेंज करती है। फिर एसिमिलेशन है, उसमें हमारी बॉडी को एक तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो है जो भी हमारा खाना पीना है, जब वो सिंपल चीज में हो जाता है तो ब्लड के उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर हमारा जो है इजेशन है या एलिमिनेशन है, जिससे कि जो चीज हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है तो वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हम देखते हैं, तो अगर देखोगे तो एक ट्यूब जो है, एक पूरी एक लंबी ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होती है, ये एक तरह से एक ट्यूब है, और अलग अलग शेप में अलग अलग फॉर्म में होती हुई इस तरह से पूरे एक ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है, एनस पे खत्म होती है। इसको हम ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हम कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हम ये सब कहते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमारे ऑर्गन साथ में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारा लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, अपेंडिक्स जो यहाँ पर हमारे इसी में ही सिचुएटेड होता है। तो ये हमारे साथ में एसेसरी जो है हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी मदद भी करते हैं, जो भी, या ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिनसे कि डाइजेशन में हमारी हेल्प होती है, तो ये मदद करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारा लीवर है, हमारा जो बिलियरी डक्ट वगैरह है, और हमारा पेनक्रियाज है। मुख्य रूप से ये हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे आगे, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जो मैंने अभी बताया, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है जो मुंह से शुरू होता है और हमारे
जो एनस है वहां पर खत्म होता है। लगभग लगभग इसकी जो लेंथ होती है 30 फीट के तकरीबन होती है, और इसके पार्ट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारा मुंह है, माउथ है, हमारे यहाँ पर जो हमारी मुंह की जो गुफा होती है उसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, फिर हमारी खाने की नली जो हमारी फेरिंग्स होती है, फिर हमारा ईसोफेगस, मुख्य रूप से यही हमारी खाने की नली होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक होता है जो कि हमारा जठर होता है, उसको उदर भी कहते हैं, जठर भी कहते हैं, और इसको अमाशय भी कहते हैं। उसके बाद हमारी आंतें शुरू हो जाती हैं जो कि हमारी अः छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, और उनका जो लास्ट का पार्ट होता है रेक्टम और एनस होता है। इसी के साथ साथ जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैंने बताए, हमारे मुख्य रूप से तीन जो जोड़ियां होती हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की, हमारी लार ग्रंथियों की, हमारा जो लीवर होता है जिसको यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी कहते हैं, लीवर होता है, और हमारा अग्नाशय जो कि हमारा पेनक्रियाज होता है, जो कि हमारे अमाशय के नीचे मतलब स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। एक एक करके अब हम इनको देखते हैं। तो डाइजेशन बेसिकली हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में हमारा यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। हम अपने दांतों से जब हम किसी भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, तो यहाँ पर ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है जो कि मुख्य रूप से मैकेनिकल होता है। यहाँ पर हमारे मुंह के अंदर हमारे जो है यहाँ पर एंजाइम्स आते हैं जो कि उस खाने को हमें पचाने में मदद करते हैं। जब ये खाना हम छोटे 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 उसमें तोड़ते हैं तो ये हम आगे निगलने निगलते हैं इसको, और आगे ये हमारी खाने की नली जो कि हमारी ईसोफेगस में जाता है, यहाँ पर भी हमारी केमिकल डाइजेशन एक तरह से शुरू हो जाती है, जो कि हमारे एंजाइम्स जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होते हैं वो यूजुअली हमारे कहाँ से आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से। हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुंह से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन और हमारा केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मुंह में हम इसको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में हमारा पेरिस्टाइलिक मूवमेंट जो होता है, जैसे कि केंचुए वाला मैंने आपको बताया था, वो मूवमेंट वहां पर होता है, और उसी की वजह से वो खाना धीरे धीरे आगे हमारा सरकता है। तो ह्यूमन बींग्स में, हमारे मैमल्स में बेसिकली पाचन की क्रिया हमारे मुंह में ही शुरू होती है। दांतों से जो भी हम खाना मैंने अभी बताया उनको जब हम छोटे 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 टुकड़ों में हम कर लेते हैं अपने मसूड़ों, हमारा जो अंदर जो हमारा मुंह है ना, हमारी जीभ भी इसमें मदद करती है ताकि पूरा खाना एक साथ तो उसको वो छोटे छोटे उसमें करे पूरा हिला डुला के, तो वहां पर फिर हमारे जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं हमारी लार ग्रंथियों से लार निकलनी शुरू हो जाती है, सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना, तो उनकी सिक्रीशंस जो होती है वो हमारी डाइजेशन में मदद करती है। तीन हमारे यहाँ पर आगे है, हाँ तीन हमारे पैर हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, कान के पास होती है, वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे फेस के दोनों साइड पर, ये हमारे कान के इधर समीप होती है, और ये अपनी जो सिक्रीशंस है हमारे मुंह में छोड़ती है, इनके जो ट्यूब निकलती है आप देखोगे ये जो है पैरोटिड डक्ट, ये हमारे मुंह में खुलती है और वहां से लार हमारे मुंह में आती है। फिर एक होती है हमारी जीभ के नीचे, यहाँ आप देखोगे ये जीभ के नीचे होती है, इसलिए उसका नाम है सब लिंगुअल। लिंगुअल जो होता है टंग से रिलेटेड टर्म होती है, ये उसके नीचे, इसलिए इसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। और फिर एक हमारे जो होती है मैंडिबल के नीचे की तरफ होती है, जो कि हमारे ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहलाती है। तो ये तीन पेयर है हमारे, एक तीन एक साइड है, तीन एक साइड है, तो 6 टोटल होती हैं, और ये हमारे मुंह के अंदर लार को मिलाती हैं, और लार जो है हमारे भोजन को धीरे धीरे उनको एक छोटे छोटे हमारे टुकड़ों में जो है तोड़ना शुरू कर देती है, जो ये केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। सलाइवरी सलाइवा जो हमारे मुंह से निकलता है वो लगभग लगभग डेली यहाँ पर हमें बताया है 1.5 लीटर के करीब, 1 से 1.5 लीटर के करीब प्रोड्यूस होता है, और वो हल्का सा एसिडिक होता है स्लाइटली। ठीक है, नॉर्मल पीएच आप सबको पता है, न्यूट्रल कौन सा होता है, 7 7 होता है,
सेवन सेवन ओनली सेवन सेवन ठीक है, सेवन हमारा न्यूट्रल होता है, और ये देखिए 6.8 है, हल्का सा एसिडिक होता है। एसिडिक का यहाँ पर हमारे बेसिकली अगर कोई भी हमारे भोजन में कोई भी हल्के फुल्के जो बैक्टीरिया इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुल आ जाते हैं तो ये उनको वहीं पर ही मार देता है बेसिकली एसिडिटिक ना। हमारा शरीर बहुत सक्षम है हर चीज को कंट्रोल करने पे, लेकिन हम ही अपने गलत आदतों से उसको ठीक से कार्य नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो सलाइवा जो होता है उसके अंदर हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टार्च के ऊपर काम करते हैं। स्टार्च को वो स्प्लिट कर देते हैं, मतलब स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारा स्टार्च होता है। तो सलाइवा में स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का क्या नाम होता है, टाइलिन। इसको हम पी साइलेंट रहता है, टाइलिन बोलते हैं। तो ये जो टाइलिन होता है ये सलाइवरी एमाइलेज जो है इसमें हमारा, ये हमारे जो स्टार्च होता है जो हमारे खाने पीने में प्रेजेंट होता है ना, स्टार्च बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है हमारे, अगर आप देखोगे चावलों में, पोटैटो में, है ना, आपने देखा होगा। तो बेसिकली और लेकिन ज्यादातर हमारे अनाज वगैरह में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो हमारे न्यूट्रिएंट होता है वो स्टार्च की फॉर्म में काफी चीजों में प्रेजेंट रहता है, तो स्टार्च को वहीं पर ये काम करता है। लेकिन बात यह है कि टाइलिन जो है वो केवल पके हुए जो है उस पर काम करता है, कच्चे पे नहीं करता है, कच्चा जो होता है उसके ऊपर नहीं करता है, सिर्फ पका हुआ जो या कुक्ड होता है। पका हुआ मतलब या तो अग्नि वैसा पका हुआ या अपने आप डाल का पका हुआ, जो भी वहां पर जिन भी स्टार्च होता है उनके ऊपर काम करते हैं। स्टार्च बेसिकली मैंने बताया हमारा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, जो कि हमारे बाद में हमारे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है ना, स्टार्च जो है हमारा, ये टाइलिन, माल्टोज और अलग अलग तरह के जो हमारे होते हैं, डिटेल में हम देखेंगे तो स्टार्च कई तरह के जो होते हैं उनमें ये हमारा एंजाइम्स जो होता है प्रेजेंट जो है मदद करता है। तो बकल कैविटी में हमारा स्टार्च जो होता है सिर्फ वहां पर 30% ही उसका डाइजेशन होता है, बाकी का 70% हमारा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो मुंह में सारा ही नहीं होता है, आगे जाके भी उसका डाइजेशन होता है। हमारी आंतों के अंदर के हमारे वहां पर भी कुछ एंजाइम्स, हमारे जूसेस निकलते हैं जो कि उसको हम वो मदद करते हैं। सलाइवा के अंदर हमारा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, अभी बताया ना कि उसका पीएच भी हल्का होता है, वो कि हमारे जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं, हमारे कुछ जो ग्राम यहाँ पे डिस्टर्ब करने को आ रहे, कुछ प्रॉब्लम मैम, माइक शुरू है किसी का, आर से कौन है, अभी बंद कर दिया। ये ग्राम पॉजिटिव है, जो बैक्टीरिया की दो फॉर्म्स होती हैं जो एक्चुअली स्टेन के उस पे पता चलती है, ये वॉर्म नहीं, ये ग्राम है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर आप सिंपली समझेंगे तो हमारे उसको मारने का काम करता है, जो कि हमारे खाने में कई बार जिस तरह से घुस जाते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक एब्नोस ग्लैंड भी होते हैं जो कि हमारे डॉर्सल सर्फेस या हमारे जीभ पर होते हैं बेसिकली। हमारे इसमें से भी हमारे जो है एंजाइम्स निकलते हैं, लिंगुअल एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम बोलते हैं। ये हमारे जो एंजाइम माउथ कैविटी में इनएक्टिव होते हैं और ये पेट में जाकर हमारे एक्टिव हो जाते हैं और वहां पर ये पाचन क्रिया करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो वो किससे बनते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड से होते हैं और उसमें फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड भी ये प्रेजेंट होता है, एक स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो हमारे सलाइवा जो बेसिकली हमारा बनता है वो हम देखेंगे कि एक मिनट सलाइवा जो बनता है वो हमारा, उसमें कुछ हमारे वाटर एंजाइम्स, हमारे सलाइवरी एमाइलेज होता है, हमारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, म्यूकस होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है ना, तो सलाइवा बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सलाइवा का क्या काम होता है, सलाइवा का यहाँ पर काम होगा हमारे जो मुंह में, ये देखो रहे होगे जो मुंह में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में जो आते हैं उनके डाइजेशन में मदद करता है, और क्या करता है, जो खाना हम खाते उसको नमी भी देता है ना। तो हमें पानी पीने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में, जो ज्यादा पानी पीते ना खाने के साथ साथ, तो क्या होता है उनका सलाइवरी वो फिर काम ही नहीं करते, कहते हैं पानी तो पी रहे हम क्यों काम करें, क्या जरूरत है। तो उनके जो सिक्रीशंस कम होनी शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खाने को अच्छे से चबाएंगे तो आपके मुंह का लार ग्रंथियां ही अपने आप बहुत एक्टिव काम करती हैं। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसी बात होती है तो एक आध सिप पीजिए, बहुत ज्यादा पानी खाने के साथ नहीं पीजिए, नहीं तो आपके एंजाइम्स अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, वो वैसे ही वॉश आउट हो जाएंगे।
तो सलाइवा बेसिकली हमारे मुंह को भी जो है साफ करने का मदद करता है। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर होती है ना, जो नमी बनी रहती है, वो हमारे सलाइवा से ही होती है, और हमारे खाने के टेस्ट को भी वो बताता है। टंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने आपको बताया था। टंग का यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप देखेंगे जीभ जो हमारे फूड को मिक्स करने में बहुत मदद करती है। जो भी खाना हम खाते हैं उसको चबाने में, मिक्स करने में मदद करती है बेसिकली। उसके साथ और उसका क्या काम है, हमारे को बोलने में मदद करती है। मेरी जीभ नहीं होगी तो मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगी, कुछ शब्द बोल पाऊंगी, लेकिन जीभ की वजह से ही हम बोल पाते हैं। तो ये जीभ हमारी खाने को निकलने में भी मदद करती है, और जीभ के ऊपर हमारे टेस्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे कि हमें खाने का टेस्ट पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो अभी दांतों के बारे में नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ किसी उसमें अगर दिया होता है तो मैं आपको बताती हूँ। दांत बहुत जरूरी हैं, इस पिक्चर में ही देख लेते हैं। हमारे देखिए, आप सभी को पता है दांत हमारे प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो ऊपर की हड्डी होती है मैक्सिला, और नीचे की मैंडिबल बोन में, जो कि हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ पे हमारे जो दांत होते हैं, दो सेट होते हैं हमारे, जो एक जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं ना, यूजुअली पक्के दांत बोलते हैं, तो टेम्परेरी और परमानेंट सेट होते हैं हमारे। तो जो जो कच्चे दांत या टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो हमारे 20 होते हैं गिनती में, और वो बच्चे जब 6 महीने का बच्चा होता है, वो उसके पैदाइश के 6 महीने के बाद उसके निकलने शुरू होते हैं, और टेम्परेरी टीथ रहते हैं हमारे लगभग लगभग 6 साल की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं और हमारे जो है परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। परमानेंट लगभग हमारे जो पहले तो टेम्परेरी हमारे 20 होते हैं, लेकिन परमानेंट हमारे 32 होते हैं। लेकिन कई बार ही देखा होगा, सभी जो एडल्ट भी हो जाते हैं, इवन मतलब 50-60 साल के भी होते हैं, उनके भी 20 ही रहते हैं, कई बार उनके भी प्रॉपर 32 नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन यूजुअली 32 होते हैं, उससे ज्यादा कम ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं, बेसिकली दांत के भी हमारा जो हिस्सा जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं ना, जो कि यूजुअली हमारे दांत, अब देखो जो हमारे उसमें दिखाई देते हैं, वो हमारा क्राउन पार्ट होता है, जो हमें पार्ट दिखाई देता है। और अगर इसी में देखोगे, हड्डी के अंदर ये जो है ना, जॉ के अंदर ये जो पार्ट घुसा हुआ है ना, वो उसका रूट होता है, जो कि हड्डी के अंदर धंसा रहता है। और एक पार्ट होता है कि हमारा क्राउन और रूट के बीच का जो होता है, वो हमारा नेक पार्ट होता है, इसका बीच का हिस्सा होता है, नेक पार्ट होता है। तो बेसिकली हमारे दांतों के अंदर, हमारी यहीं से ही हमारे जो सेंटर होता है, जो हमारा अंदर धंसा हुआ होता है, वहीं से उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसकी सब वहां पे सप्लाई होती है। और हमारे दांतों के ऊपर एक बहुत ही हार्ड जो है मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, कोई बताएंगे? इनेमल एनेमल। इनेमल यस, एनेमल बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और इतनी जल्दी हटता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना एनेमल हट गया, तो लेकिन बहुत ही कुछ ऐसे, आप लोग बहुत एसिडिक चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीजें लेते हैं, कुछ जो कि हमारे आहार विहार के अनुरूप नहीं है, तो उनसे हमारे इसकी दिक्कत होती है, तो दांत बहुत सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों को कहते हैं ठंडा गर्म लगता है, कुछ और भी कारण से लगता है वैसे, लेकिन जो एनिमल होता है, बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जो कि हमारे टीथ की कवरिंग को करता है। तो हमारे दांतों के प्रकार होते हैं, इधर पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं बताती आपके जो बीच के, इसमें और कहीं पे है नहीं, जो आपके इसी पिक्चर में ही है, जो आपके जो बिल्कुल बीच के जो दांत होते हैं, है ना, एकदम सेंटर के जो होते हैं, वो हमारे होते हैं इंसीजर, जो कि खाने को काटने का काम करते हैं, दोनों जो हमारे बीच के हैं, है ना, एक इस साइड का, एक इस साइड का। और उसके साथ लगे हुए थोड़े से नोकीले होते हैं, पैने होते हैं, वो हमारा होते हैं कौन से, हमारे केनाइन। ठीक है, दो हमारे, अगर हम मतलब 4 हिस्सों में हम अपने दांतों को देखते हैं, तो आप एक चौथाई हिस्सा, जैसे कि एक सेट दिख रहा है, नीचे के आधे आधे कर दो और ऊपर के आधे आधे कर दो। ठीक है, तो सबका 1/4 अगर हम देखते हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो हम जो देखते हैं, जो हमारे बीच के जो दो दांत होते हैं, वो हमारे होते हैं इंसीजर, और उसके साथ लगा हुआ जो तीसरा दांत होता है एक साइड का, वो होता है केनाइन, नुकीला दांत होता है। उसके बाद फिर हमारे केनाइन के साथ हमारे दो दांत होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर, और उसके फिर आखिर में हमारे तीन होते हैं मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो 2:1:2:3 ये रेशो होता है। तो 2:1:2:3 को अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे 32 होते हैं। 2:1:2:3 आप कैलकुलेट करोगे तो होते हैं, तो 2:1:2:3 याद करेंगे, इंसीजर, केनाइन,
प्रीमोलर और मोलर, इस तरह से ही हमारे दांतों की रूपरेखा होती है। ठीक है, प्रीमो जो हमारे मोलर्स होते हैं 6 बाद में बनते हैं, पहले हमारे 20 ही होते हैं, तो वो गिनती के हिसाब से ही हम वो देखते हैं। ठीक है, जो कि कई बार अक्कल दाढ़ हम लोग बोल देते हैं। अब हम देखते हैं जो खाना हमारा है, इसके बाद हमारे मुंह से होता हुआ, हमारे दांतों ने काटा, जीभ ने उसे गोलमाल किया, सलाइवा मिक्स हुआ है ना, उसके बाद जो है हमारा वो जाता है हमारे मुंह के पिछले हिस्से में, पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो जो पीछे धकेला जाता है वो वहां पर जाता है हमारे फेरिंग्स में, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स एक्चुअली हमारे उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर लिखा है जीभ के ऊपर का जो भाग होता है ना, हार्ड पैलेट जो हम कठोर तालु कहते हैं, तो उसी के पिछले के हिस्से का जो हमारा फेरिंग्स होता है, तो आगे वाला हार्ड होता है, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट होता है, वहीं पे ही हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और खेचरी मुद्रा में यहाँ पे ये बता रही कि जब आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना करते हैं तो जीभ वहीं पर ही लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पिछले हिस्से की तरफ। तो फेरिंग्स हमारे ओरल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉफ्ट पैलेट और 6th वर्टिब्रा। यहाँ पे अगर हम अपने गर्दन की हड्डी का यहाँ पे वो आकलन करते हैं, तो हमारी गर्दन की जो होती है 6th वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट रहता है। ये 3 पार्ट्स में होते हैं और ये बेसिकली फनल शेप में, आगे देखो यहाँ से चौड़ा होगा और नीचे की तरफ जाके थोड़ा सा बॉटल नेक हो जाता है, इसकी जो थोड़ा सा इसका विड्थ कम हो जाती है, तो फनल शेप का होता है हमारा। और फेरिंग्स में क्या होता है, ये हमारा कॉमन पैसेज है, किसके लिए, हमारी सांस भी यहाँ पे ली जाती है और हमारा खाना भी यहीं पे लिया जाता है, तो ये दोनों का काम करता है। तो इसके 3 पार्ट्स को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसकी लेंथ लगभग लगभग यहाँ पर लिखा नहीं है, 12.5 सेंटीमीटर होती है, 12.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये हमारे स्कल के बेस से शुरू होकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। तो जो हमारी नाक का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये देखो नेजोफेरिंग्स जो हमारी नाक का हिस्सा होता है, नाक के आगे का जो नेजल कैविटी के बाद का जो फेरिंग्स का पार्ट होता है वो नेजोफेरिंग्स होता है। जो मुंह का हिस्सा होता है फेरिंग्स का, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ये देखो ये ओरोफेरिंग्स, और दोनों मिलके फिर हमारा जो लैरिंग्स पे के में जाने से पहले जब दोनों का कॉमन पैसेज हो जाता है उसको बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स बेसिकली यहाँ से सांस ली जाती है, ओरोफेरिंग्स में हमारा खाना जाता है, लैरिंजोफेरिंग्स में एक टाइम ऐसा आता है दोनों का काम कर रहा होता है वहां से, लेकिन फिर दोनों की नलियां अलग अलग हो जाती हैं, सांस की नली और खाने की नली, फिर वहां से उसी हिसाब से खाना हमारा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी नाक है, ये हमारा नेजोफेरिंग्स है, ये हमारा मुंह है, यहाँ पे ये हमारी ओरल कैविटी है, ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, पीछे का ओरोफेरिंग्स। जब हम खाना खाते यहाँ पर डालते हैं तो खाना हमारा देखो सांस की नली में भी जा सकता है, खाने की नली में भी जाता है। पीछे वाली खाने की नली है, उसके आगे हमारी सांस की नली है। सांस की नली इसके ऊपर ये जो हमारा ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ये रेड कलर का आपको लैरिंग्स ही दिख रहा है, ये इसीलिए इसको लैरिंग्स का जो पार्ट हमारा फेरिंग्स होता है इसको हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। यहाँ से हमारा खाना देखो यहाँ जाने के चांसेस होती हैं, है ना, जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, कार्टिलेज आपको बताया था कल मैंने। ये जो ढक्कन होता है इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये हमारी सांस की नली के ऊपर लगा होता है ताकि जब हमारा खाना हो वो खाने की ही नली में जाए, हमारा सांस की नली में ना जाए। ठीक है, इसीलिए कभी भी खाना खाते हुए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उस वजह से कई बार ये ढक्कन खुल जाता है और खाना जाने के चांसेस होते हैं, तो आपको खांसी या उल्टी आनी शुरू हो जाती है। हमेशा अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर नीचे ही भेजे और खाना खाते हुए बोले नहीं बार बार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये फिर हमारा है लैरिंग्स का पार्ट। ठीक है, तो जो फेरिंग्स गलेट है वो हमारा ईसोफेगस में खुलता है, जो हमारा फेरिंग्स का जो पार्ट था एक हमारा कहाँ पे खुला था, ईसोफेगस का होता है, और एक हमारा जो पार्ट था लैरिंग्स का जो हमारा हमारे ट्रैकिया की तरफ। तो ये हमारे फेरिंग्स के पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, ये वाला मुंह वाला, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो हमारा गलेट इसको हम इसी को बोलते हैं, यहाँ से जो लैरिंग्स और फेरिंग्स का पार्ट होता है यहाँ से खाना हमारा
सांस की नली या खाने की नली में जाता है, तो सिर्फ सांस ही हमारी जो है विंड पाइप में जाती है और खाना ही हमारा जो है फूड पाइप में प्रवेश करता है। और जो लैरिंग्स को हम गलेट बोलते हैं या ग्लॉटिस बोलते हैं, यहाँ पर उसका एक ढक्कन होता है, आप देख लोगे ये ग्लॉटिस, इसके नीचे का सेपिग्लॉटिस, ये हमारा एपिग्लॉटिस ढक्कन होता है जो खाने को सांस की नली में जाने नहीं देता, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सामान्य तौर पर ये खुला ही रहता है क्योंकि हम हमेशा खाना नहीं खाते, लेकिन जैसे ही आप अपने भोजन को जब के उसमें जाता है तो ये हमारे लैरिंग्स को ढक देता है ताकि आपको उसमें ना जाए, गलती से अगर चला भी जाता है तो हमें खांसी आती है, हम उसको निकाल देते हैं। अब लैरिंग्स के बाद हमारा जो खाना जाता है फेरिंग्स और लैरिंग्स से होता हुआ, ये हमारा जाता है इजोफेरिंग्स में। इजोफेगस जो होती है हमारी, ये हमारी एक्चुअल में हमारी आहार नली जो है, मतलब इसी को हम फूड पाइप बोलते हैं, ये हमारे पेट में जाती है सीधी, दिस वन, ठीक है। तो ये हमारी फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाई जाती है। इसकी लेंथ लगभग लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है। इसके आगे क्या है, आगे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया हमारी सांस की नली होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, ओके। और इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। और इसके जो है हम देखते हैं कि इसके दो हमारे यहाँ पर भी एक तरह सा इसका स्पिंटर टाइप का होता है और नीचे भी इसका होता है, मतलब एक ढक्कन टाइप का ही आप कहोगे, मतलब यहाँ पे हम इसको जो खाना है धीरे धीरे ही एकदम से जाता है, इसलिए खाना कभी भी ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, आराम आराम से ही खाना चाहिए। जो इसोफेगस है वो मतलब यहाँ पे हमारी नेक के अंदर आगे हमारा ट्रैकिया होता है और पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम बताया, और क्योंकि स्टमक लेफ्ट साइड होता है, स्टमक हमारा ये स्टमक वो करा है, तो यहाँ पर ये बताया कि हल्की जो है लेफ्ट साइड ही टर्न लेके करना चाहिए क्योंकि हमारा जो है लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है, तो जब भी आप करवट लें तो थोड़ा सा उसमें रखना चाहिए। वैसे हमारा हालांकि खाना वापस ऐसे जाता नहीं है क्योंकि ये जो गेट एक तरह का लगा हुआ है ये एक ही डायरेक्शन में ही खाने को जाने का काम करता है ताकि खाना रिवर्स ना जाए, तो वहां पे हमारे जो एक तरह के वॉल्व या गेट होते हैं जो कि हमारे खाने को एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, वापस रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए। तो ये जो हमारे पेट के ऊपर हमारा जो एक इधर स्पिंटर होता है उसको हम कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिल भी होता है इसलिए इसका नाम कार्डियक स्पिंटर होता है, ठीक है। तो ये हमारी मसल की बनी हुई है, मसल में जो मूवमेंट यहाँ पर खाने की जो नीचे जाता है धीरे धीरे सरकता हुआ, एकदम से नहीं फिसलता हुआ जाता, मैंने आपको बताया था जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो इस तर ये इसी मसल में होती है, तो खाना आप खाते हो धीरे धीरे चबा चबा के धीरे धीरे ऐसे सरकता हुआ खिसकता हुआ, एक जब ऊपर वाला आता है तो नीचे वाला थोड़ा नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे इस तरह से खाना धीरे धीरे सरकता हुआ हमारे पेट के अंदर जाता है। इसोफेगस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की सीक्रेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी जूस नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होती, इसीलिए हमारी आहार नली में हमारी फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ खाने को मुंह से लेके हमारे पेट तक ले जाने का काम करता है और इसका काम कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी सीक्रेशन नहीं है, सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वो खाना धीरे 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 आगे नीचे भेज देती है। सिर्फ यहाँ पे अंदर की जो लाइनिंग होती है एपिथीलियल टिश्यू की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, तो यहाँ पे चिकनाहट बनी रहेगी, ड्राइनेस नहीं होती है, नहीं तो खाने को हमें आगे सरकने में दिक्कत बनी रहेगी, तो यहाँ पर सिर्फ हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है ताकि चिकनाहट बनी रहे और खाना आराम से हमारा फिसलता हुआ नीचे चला जाए। इसोफेगस की जो मसल्स होती हैं इधर नीचे की तरफ तो इनवॉलंटरी टाइप की होती है, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ी सी वॉलंटरी होती है, तो आप देखते हो कि जब आप खाना एकदम से अचानक से ज्यादा ठूस ठूस के खा लेते हो तो आप थोड़ा सा अपने उससे उसको नीचे सरकाने का कर देते हो, पानी पीते हो, थोड़ा सा करते हो, तो हल्की सी हमारी वॉलंटरी में भी होती है, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे नीचे बजता है और सिर्फ यहाँ पर स्वेलिंग होती है और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं, हाँ जी यस मैम, जब धोती करें तो वो यहीं पर ही बिल्कुल यहीं तक ही जाती है, वैसे कायदे में यहाँ तक जाती है, इधर इस स्पिंटर से वैसे तो अमाशय तक ही यहाँ पर जाती है जो कार्डिक स्पिंटर से, लेकिन ये कार्डिक स्पिंटर जो होता है ना थोड़ी देर खुला रहता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है क्योंकि ये जब तक हमारा खाना आता होता है ना
तो ये खुला रहता है 10-15 मिनट तक खुला रहता है। उसके बाद जब यहाँ पे हमारे खाने का जो हो जाता है फिर ये बंद हो जाता है ताकि खाना वापस ना जाए। इसलिए हमेशा धौतिक क्रिया का जब आप करते हो तो पेट में 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए और बस उसको करके आपको वापस निकाल लेनी चाहिए। आपने पढ़ाई होगा, आप सब धौती करते हो तो आपको प्रिकॉशंस जो भी बताए गए हैं, तो धौती जब आप करते हो वो जाती है पेट में और यहाँ के बाद इसको वापस, इसके बाद इसको यहाँ से नहीं भी लेके अगर ज्यादा देर भी रखी रहेगी तो क्या होता है कि फिर ये वाला वॉल्व खुल जाता है और खाना जो है हमारा आगे जाता है। खाना हमारा यहाँ पे 3-4 घंटे पड़ा रहता है ताकि अच्छे से यहाँ पर पाचन हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम जब भी धोती डालते हैं तो ज्यादा देर आपको नहीं पड़े रहना देना चाहिए, बस वो हमारे अपनी क्लीनिंग के लिए ही है, वो इतने में हमारी क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है, यहीं तक जाती है। और वैसे भी जब भी हम खाना खाते हैं ना तो जब हम हमें मुंह के अंदर ही अच्छे से चबा लेना चाहिए ताकि यहाँ पर हमारे जो दांत जितना काम कर लेंगे अच्छा है, नहीं तो क्या होता है फिर हमारे पेट को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो काम हमारा दांत और हमारे यहाँ कर सकते हैं तो वहां पे नहीं। धीरे धीरे देखा होगा जो बच्चे ज्यादा नहीं कर ज्यादा चबा के रखते हैं तो पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कुछ इस तरह के हमारे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 30% यहीं पर ही हमारे होते हैं और कई बार खाने के साथ आप उसको खाने को बस बिना चबाए सटकते रहते हो ना, तो वो जो यहाँ पे पचना चाहिए ना कार्बो स्टार्च 30% मुंह में पच जाता, वो यहाँ पर नहीं होता, वो पेट में चला जाता और पेट में जाके वो काम नहीं करता है, वो फिर खाना आपका अधपचा रह जाता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमेशा खाने को प्रॉपर धीरे धीरे अपना तरीके से खाना ही चाहिए। ओके मैडम, एक क्वेश्चन बाद में पूछू क्या? हाँ प्लीज पूछ लेना बाद में। मुझे आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है, बाद में लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक में जा रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये पेट में जा रहा है। अब हम अमाशय की बात करेंगे। अमाशय जो हमारी आहार नली का सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग है, क्योंकि पूरी ही हमने अभी देखा कि हमारी पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो ये हमारा सबसे ज्यादा फैला हुआ या चौड़ा पार्ट हमारा है जो कि हमारे आहार नल का है, सबसे ज्यादा फैला हुआ, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऊपर हमारा क्या है, येलो पार्ट का जो है हमारा ईसोफेगस है और इसके बाद हमारी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, तो दोनों के बीच में ये पाया जाता है। तो ये हमारा इसका जो ऊपर जो होता है हमारा पेट के ऊपर का जो पार्ट होता है, यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ठीक जो नीचे लेफ्ट साइड पर ये हमारा पाया जाता है। पूरा ये हमारा मसल का बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसकी जो शेप होती है जे शेप टाइप की होती है, ठीक है, जे शेप का होता है। इसके अंदर कर्व है, आप देख रहोगे, एक यहाँ पे कर्व आ रहा है, एक यहाँ पे कर्व आ रहा है, आप देख रहोगे दो कर्व आते हैं, एक ये जो होता है यहाँ पर देखो कम कर्व है, इसको लेसर कर्वेचर होता है, ये वाला हमारा ज्यादा बड़ा वाला कर्वेचर है। तो जो निचले हिस्से को जो होता है वो हमारा यहाँ पर ये वाला कन्वेक्स वो है और ऊपर वाला हमारा कॉनकेव, यहाँ पे गुफा टाइप की बन रही है ना, ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर हो सॉरी ये हमारा लेसर कर्वेचर है, ऊपर वाला ये कॉनकेव शेप का है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। यहाँ पे अगर हम ऊपर हिस्से पे देखेंगे तो ये हमारा बना रहा है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, एक ये गड्ढा जो बन रहा है। कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर यहाँ पर दिल होता है, डायफ्राम के ऊपर दिल भी हमारा लेफ्ट साइड पर ही क्योंकि होता है, तो इसीलिए वो कार्डियक साइड पे हम इसको कार्डियक नॉच बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कन्वेक्स भाग जो है, ये कन्वेक्स भाग ये नीचे वाला है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, देखो काफी अच्छे से घूम रहा है, इसमें कम है, ये हमारा लेसर कर्वेचर है, कॉनकेव भाग है। हम पेट को 4 भागों में पढ़ते हैं इसको इजीली पढ़ने के लिए। तो जो इसका पहला ये जो पार्ट होता है, एक तो देखो एक ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है, आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस, ये सबसे ऊपर वाला भाग है हमारे पेट का। अगर हम देखेंगे ना पूरे पेट को तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा फंडस होता है। उसके बाद जो नीचे जो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है इसका बेसिकली, वो हमारी इसकी बॉडी कहलाता है, जो कि फंडस और नीचे के हिस्से के बीच का पार्ट होता है। यहाँ पे कार्डिया बोला है बेसिकली, यहाँ पे ये जो कार्डिया लिखा है ना, यहाँ पे इसका जो वॉल्व होता है ना, जो हमारा स्पिंटर प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, नहीं तो यहाँ से स्पिंटर और ये बॉडी होती है। फिर हमारा हाँ कार्डिया की भी बात करते हैं अभी हम, जो हमारा फिर होता है पाइलोरिक
ये वाला हिस्सा यहाँ पर, लेकिन एक पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं एंट्रम, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा कार्डियक, ये जो है ना, ये ईसोफेगस, और हमारे जो घुसता है ना यहाँ पे हमारा नॉच प्रेजेंट होता है, ये हमारा कार्डिक होता है, कार्डिक ऊपर वाला फंडस, फिर हमारी बॉडी, और उसके बाद हमारा यहाँ पर होता है ये बॉडी के बाद हमारा पाइलोरस है। पाइलोरस में हम पहले देखेंगे एंट्रम पार्ट होता है, एंट्रम पार्ट होता है ये सबसे लास्ट पार्ट हमारा होता है, इसमें भी फिर हमारा यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल हम देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला ट्यूब में हो जाता है। ये पूरा पार्ट हमारा पाइलोरस होता है, ये हमारा लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पर हमारा दूसरा स्फिंक्टर पाया जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये हमारा कार्डिक रीजन, फंडस, बॉडी, और ये हमारा पाइलोरस रीजन, ठीक है, ओके। तो ये हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि दो स्फिंक्टर का जो हम बार बार बोल रहे हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इनका क्या काम है? बेसिकली खाना जब आता है तो ये इनका काम होता है कि हमारे बॉडी के जो खाना उसी एक ही डायरेक्शन में काम करे, ठीक है ना। तो ये वॉल्व तब काम करते हैं, तो ये है हमारा कार्डियक वॉल्व, क्योंकि ऊपर की तरफ है, हार्ट की तरफ है, इसलिए इसका नाम कार्डियक वॉल्व है। नीचे वाला जो पाइलोरिक पार्ट पे होता है, इसका नाम है पाइलोरिक वॉल्व, स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। खाने को एक ही दिशा में लेकर जाता है, खाने को वापिस जाने से रोकता है। तो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगस और हमारे हमारे स्टमक के बीच में, जो भी हमारा फंडस और बॉडी के बीच में। और हमारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो हमारा है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे स्टमक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पार्ट होते हैं, पाइलोरिक जो पार्ट होता है इसके बीच में, इसलिए इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारा अगर हमारे जो स्टमक में अगर हम खा देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ना कुछ फोल्ड्स पाए जा रहे हैं, जैसे झुर्रियां पड़ रही होती है ना, जब हमारा पेट खाली होता है ना तब ये ऐसे ही हमारा पेट नजर आता है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ होता है, जब रिंकल्स की तरह लगता है, इनको गैस्ट्रिक रिब कहते हैं, ये फोल्ड्स पाए जाते हैं। और जब हमारा जो पेट भर जाता है तो ये पूरी तरह से जब खुल जाता है तो ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम क्या है? ये हमारे बेसिकली एक बथनी का काम करता है, जो भी खाना इसके आता है तो ये उसको अच्छे से जो है चौन करता है, मथता है, जो भी खाना इसके अंदर आता है, जैसे दही को मथते हैं ना आप, दही होता है फिर उसके अंदर थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छे से मथ देते, ताकि एक सार हो जाए, फटी फटी सी नहीं लगती। तो वो चर्निंग मूवमेंट है जैसा इसी में होता है, कि इससे क्या होता है कि जो भी उसमें जूसेस होते हैं अच्छे से मिल जाए, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकला था, तो यहाँ पर भी हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, उनका जो खाने के साथ मिक्सिंग हो जाती है, और वो वहां पर जो भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, उनका यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कार्डिक पार्ट, क्योंकि हृदय के समीप होता है इसलिए इसको कार्डिक बोलते है। फंडस पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ पे यूजुअली हमारा खाना नहीं होता है, ये ऊपर का खाली ही रहता है, गैस ही भरी रहती है, हवा ही होती है, ऊपरी पार्ट है, मेन बॉडी यही है जहाँ पे हमारी चर्निंग है या पूरा हमारे जो कार्य होता है। और लास्ट पार्ट जो होता है, जो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, वो पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कहाँ पे शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो पेट में हमारा खाना जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है, हैवी भोजन खा लेते हो तो उसको 4 से 5 घंटे रखते हैं, वहां पर पड़ा रहता है, और वहां पे हमारे क्या निकलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर ही जो जूसेस बनते हैं, वहां की जो हमारी जो लेयर्स होती हैं, वहां से हमारे गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, और वो उसको हमारे को मथते हैं, सारे खाने में मिश्रण हो जाता है। और खाना जो हम मुंह से जो हमारा खाना आता है उसको हम बोलस बोलते हैं, लेकिन ये हमारे पेट में जाके चाइम, जैसे आप एक तरह से जब आप जैसे डोसे का बैटर सॉर्ट ऑफ करते हो ना, बहुत मतलब उसको पतला सा, या कुछ भी आप अपना चीले का कुछ इस तरह से बनाते हो, खाने का हमारा इतना नहीं, मुंह का हमारा जो खाना होता है वो चबाने के बाद बोलस बनता है, लेकिन पेट में जाके वो उसको अच्छे से मिक्सिंग होके बहुत ही लिक्विड टाइप का वो हो जाता है, उसको हम चाइम बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है, जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है उसके अंदर म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और उसके अंदर हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, पेट के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है, 1.5 to 1.8। ये देखिए कितना बड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत ही एसिडिक होता है, तो खाने में जो है वो बहुत इजीली हमारा खाना पच जाए, क्योंकि एसिड आ गया तो वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। और अगर यही एसिड है ना, अगर आपके कहीं और बॉडी पे गिर जाए ना, आपकी बॉडी जल जाएगी, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट भी करती है खुद के ही एचसीएल से। लेकिन कई ऐसी स्टेजेस होती हैं उनमें अगर जो आप लोगों का खान पान सही ना हो तो फिर ये भी हमें जो है प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे पेट के अंदर हमारे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का कहाँ हुआ था, मुंह के अंदर फर्स्ट वहीं पर शुरू हो गया था, और प्रोटीन का हमारे पेट में शुरू होता है, इंटेस्टाइन्स में भी होता है, इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट होता है, पेट में शुरू हो जाता है। स्टमक के अंदर हमारे जो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में मदद करते हैं वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन टाइप के होते हैं। रेनिन जो होता है वो नवजात शिशु में पाया जाता है, जो कि बच्चों को दूध पचाने में मदद करता है, ठीक है ना, रेनिन का काम होता है मिल्क के डाइजेशन में। तो हमारे स्टमक के अंदर हमारे जो होते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज ये हमारे लिपिड को मतलब फैट को पचाने में भी मदद करता है, तो प्रोटीन और फैट का हमारे यहाँ पर भी डाइजेशन जो होता है शुरू हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये, और साथ ही साथ में हमारे स्टमक के अंदर जो हमारी उनकी बनावट होती है वहां पर हमारे स्पेशल ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं जिनको पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने बताया फूड के साथ जो भी हमारे खाने में अगर जो मुंह से भी बचकर आ जाते हैं जो बैक्टीरिया होता है तो उनको भी नष्ट कर देता है। हमारा शरीर देखिए कितना सक्षम है ना, आप जितनी भी जंक फूड भी खाओ वो फिर भी उनको बेचारा करता रहता है ना। और स्टमक के जो एंजाइम जोन जो सेल्स के उसमें हमारे इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का भी स्रावण होता है। ये मतलब हमारे जो हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा रेनिन और पेप्सिनोजन होते हैं, वो एंजाइम्स निकलते हैं जो कि उसको मदद करते हैं। पेप्सिनोजन जो कि हमारे एचसीएल के साथ मिलके हमारे जो हमारा ये पेप्सिन इसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, और रेनिन हमारे मिल्क के ऊपर मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं उनको डाइजेशन करने में मदद करते हैं। पेप्सिन हमारे जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स भी जो है उनको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं सॉर्ट ऑफ उनके भी, लेकिन हमारे केराटीन जो प्रेजेंट होता है उनको नहीं करता, किसमें, हमारे नेल और हेयर्स में। आगे देखते हैं, मुझे समय भी बता दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन जो हमारा होता है वो पेप्सिन जो उसको मदद करने होता है उसका पीएच हमारा 1.5 से 2.5 तक होता है, जिसके अंदर पेप्टोन्स पेप्टेसिस पेप्टाइड्स करके हमारे प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर वो वर्क करता है। रेनिन जो होता है बच्चों में ज्यादा अच्छे से काम करता है, एडल्ट में वो इतना एक्टिव नहीं होता है। फिर जो है बच्चों में आपने देखा होगा रेनिन जो होता है मिल्क को कर्ड में जो है कन्वर्ट कर देता है, कई बार बच्चों का होता है ना दूध जब उसको मतलब वो समझ जाती है, मदर्स होती है, बच्चे ने अगर थोड़ा सा फटा हुआ दूध निकला इसका मिल्क डाइजेस्ट हो गया है, तो रेनिन मिल्क प्रोटीन जो है कैसिन पर एक्ट करता है, और कैसिन जो होता है दूध में एक्चुअली मिलने वाला जो हमारा एक सॉल्युबल का प्रोटीन होता है जो कि वहां पे उसको डाइजेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लिपिड्स पे या हमारे फैट के ऊपर या ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर जो भी हमारे फैट जो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर काम करता है, तो ये हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे भी काम करता है, ठीक है। हाँ, मैंने अभी बताया था जो हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारे पेट की जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है, उसके बहुत म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं हमारी स्टमक को उसी हाइड्रोक्लोरिक, नहीं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे को ही जो है हार्म पहुंचाएगा, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो उनको खुद हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारा इसी पे रिलेटेड मैं से आपने कहा कि नॉर्मली पेट में जो एसिड है वो उसका रहता है 1.5 to 1.8, तो जब हमको हाइपर एसिडिटी होता है तो उसका पीएच मान कितना रहता होगा फिर, बहुत ज्यादा लगता। देखो उसका पीएच तो यही होता है, हाइपर एसिडिटी वो डिपेंड करता है कि क्या है, मैं अभी आगे इस चीज को बताती कि वो होता है आपकी खान पान की गलत आदतों से,
तो खान पान की गलत आदत से जब आप ज्यादातर महिलाएं जो है खाली पेट रहती हैं, लेकिन बॉडी का अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अपने टाइम के से निकलना शुरू हो जाता है जब आपने कुछ खाया ही नहीं है, और पेट वो क्या करते हैं धीरे 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 आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी वो जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कई बार, वो नहीं कोई नुकसान पहुंचाना क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट तो खाने को पचाने के लिए, लेकिन जो ज्यादातर एक का दिन की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जो ज्यादातर अपनी फूड हैबिट्स को ठीक नहीं करते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर हमें ही नुकसान पहुंचा, उनके उसमें पीएच चेंज नहीं होता है कि उनका कितना होगा पीएच, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच बताए या आप उसका ये वो चेंज नहीं होगा, ये आपकी अपनी बॉडी हैबिट्स होती हैं कि आप धीरे धीरे फिर बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाते हो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो, ठीक है ना। तो टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, जो आपका ब्रेकफास्ट है टाइम दिया हुआ है, हमारे इसके अंदर अग्नि है, इसी को ही हम जठराग्नि कहते हैं, हमारी पेट की अग्नि और सूर्य की अग्नि का बहुत ही तालमेल है आयुर्वेद के हिसाब से आप देखते हो, तो आपको इसीलिए बता दिया गया है कि सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह है, सॉरी सुबह का राजकुमार की तरह, दोपहर का राजा की तरह वो आप हैवी खाना खाइए ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके, और रात का खाना आपका भिखारी की तरह की कम, क्योंकि उसके बाद जो है चंद्र हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर भी ठंडक होती है डाइजेशन, और रात को ही हम लोग क्या करते हैं आजकल शादियों में इतना भर भर के खाते हैं, या रात को ही हमारा हैवी मील होता है, हमें लगता है कि दिन भर तो ऑफिस में था, अब तो चलो गरम गरम खा रहे हैं या शाही पनीर दाल मखनी नान, एंड वो रात को हमारे लिए नहीं ठीक है क्योंकि हमारे बॉडी का फंक्शनिंग उस हिसाब से नहीं होता है, तो दिन का खाना खाइए आपकी बॉडी भी एक्टिविटी रहती है, धीरे धीरे इन्हीं चीजों से आपके उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी जो है इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये जो मैम, गैस्ट्रिक बूस्ट मतलब है ना, कि यस मैम, मतलब हाइपर एसिडिटी में स्टमक मेम्ब्रेन को इफेक्ट पड़ता है, उसमें एससीएल चेंज नहीं होता। देखिए आप अभी कंफ्यूज मत करो, अभी नॉर्मल फंक्शनिंग को पहले समझो, आपके पास थेरेपी के भी वो आएंगे ना, आप उसको बेटर समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं एक दो बीमारी का नाम लूंगी, वहां पर ना बीमारी में किस बीमारी में क्या होता है नॉर्मल से कुछ अलग होता है, मैंने अभी बताया ना खाना ही नहीं खाते हो, तो वो जो आपके पेट के अंदर जो चीज प्रेजेंट है लिक्विड प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही एसिडिक है, एक दो दिन में नहीं हमारी बॉडी को कोई, आपने मैंने आज व्रत रखा नवरात्रि चल रहे तो मेरे अंदर वो होना शुरू हो जाएगा, एक का दिन में नहीं होता, धीरे 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 काफी समय के बाद ये प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिटी की होती है। आप खाना पीना आप फास्ट नहीं भी रखते कोई बात नहीं, लेकिन आप खाना ही कितना एसिडिक वाला खाते हो, ज्यादा तेज मिर्च मसाले तली हुई चीजें खाते हो तो भी ये प्रॉब्लम होनी हो जाती है ना, ठीक है। वो आपका ओके बॉडी के लिए जो यूटिलाइजेशन के लिए था, आप उसको जो यूटिलाइजेशन में ना काम आके फिर वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस जो प्रेजेंट होते हैं ना जो हमारे इसमें होते हैं, ये हमारे एक दिन में हमारे स्टमक के अंदर 20 लीटर के तकरीबन बनता है, जो कि हमारे खाने के साथ मिलके बॉलस जो बनाता है, ठीक है ना। जब आप खाना ही सही नहीं खा रहे हो आपके में ऊपर से ही आपका जो बॉलस जो होता है वो फिर इसको चाइम बनाता है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है बॉलस को चाइम बना देता है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पानी भी प्रेजेंट होता है जो उस खाने को बिल्कुल एकदम, मैं बता रही हूँ ना जो चाइम बनता है आपको जैसे डोसे का बैटर है, ताकि हमारी आंतों के अंदर कोई उसको पाचन वाला कुछ नहीं है, फिर वो उसको सिर्फ चूसने में काम आता है, एब्जॉर्प्शन होता है आगे जाके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही वहां पर होगा डाइजेशन मैक्सिमम फिर एब्जॉर्प्शन होता, और ये हमारे फूड को जो है एसिडिक बनाता है, पेट में ही है अभी एसिडिक, आपने अभी पूरा भी सिस्टम पढ़ोगे तब समझ आएगा, एचसीएल हमारे सिर्फ पेट में ही प्रेजेंट है और ये हमारे माइक्रोब्स को बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, जो यहाँ पे पेप्सिन है वो हमारे प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करता है, जो हमारा लाइपेज है फैट को डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन यहीं पे शुरू हो चुका है आपका जो कि मदद कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम समय का मुझे बता देना, इसके बाद हमारा जो खाना है वो आता है छोटी आंत, आप देखोगे पेट है हमारा यहाँ पर एसिडिक खाना बन चुका है, नीचे अब हमारी छोटी आंत शुरू हो चुकी है, जो पीले रंग की और ये जो आपको हरे रंग की जो दिखाई दे रही है ये है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है दूसरी वाली जो बड़ी आंत के मुकाबले, ठीक है, ये हमारा इसका डायमीटर छोटा होता है लेकिन ये लंबाई में बहुत होती है, लगभग लगभग यहाँ पर 6.25 मीटर की लिखी है, 5 मीटर या 6.25 मीटर अलग ये इनकी इनकी लेंथ हो सकती है, और ये जो आंतें हैं ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी
ये यहाँ पर ही पाई जाती हैं, और ये ऊपर कहाँ से जुड़ी हुई है, स्टमक से जुड़ी हुई है, और आखिर में फिर ये हमारी बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हमारी चारों तरफ इसके बड़ी आंत रहती है, और यहाँ पर हमारा जो फूड है, जो भी बचा खुचा जो पाचन क्रिया है, यहाँ पर पूरी हो जाती है और फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा खाना पीना जो बच जाता है पचने के लिए, वो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। और इसको तीन भाग में हम समझते हैं। जो पहला भाग होता है स्टमक से जुड़ा हुआ, सी शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यूओडेनम, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। उसके बाद उसका जो पार्ट होता है जेजुनम होता है, और उसके लास्ट पार्ट जो होता है इलियम। ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ड्यूओडेनम जो है हमारे सबसे छोटा पार्ट है, किसका, हमारे इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। प्लीज मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा, हो चुके हैं कल हम। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है या मैं इसको तो करा दूं ड्यूओडेनम को? मैम है क्वेश्चन। ठीक है, फिर अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, कल हम इसको आगे लेंगे। ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है, कल कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। मैम जब हम कोई रॉ फूड लेते हैं या बॉइल्ड फूड या कुक्ड फूड लेते हैं, तो उसका किस टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं और क्या इफेक्ट होता है? कैसे लेते हैं? मैम जैसे कई बार हम रॉ फूड लेते हैं ना, बॉइल्ड फूड या कुक्ड फूड लेते हैं।